दोस्तों, चयन बांसुरी गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट वन में आपको ये बताया था कि बांसुरी में होल्स कैसे किया जाए, तब शायद ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि बांसुरी में होल्स किस टाइप किया गया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रॉड को एकदम गर्म होना चाहिए, रेड होना चाहिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस टाइप से इसमें होल किया जाता है। जब आप करेंगे, जब आप इस प्रकार से होल करेंगे तो ये देखिए एकदम जो है धुआं उठेगा और ये राउंड होल हो जाएगा। हमको इस प्रकार से इसमें हमको होल करना है, ठीक है। और अंदर इसके हमको जो है एक प्लेट, मेटलिक प्लेट। इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैम्बूज आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बैम्बूज जो हैं असम के साइड में मिलते हैं और कर्नाटक साइड में मिलते हैं, या विदेश में भी इसके हैं, हॉलैंड, पोलैंड, ये सब मतलब जो हैं यहाँ भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा है कि वहाँ से मिलना थोड़ा आपको संभव नहीं है, इसलिए आप नेट पर सर्च कर लें कि मतलब बैम्बू सप्लायर्स कौन है। तो बैम्बू सप्लायर से आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर आपको बैम्बू सप्लाई कर सकता है, और इस तरह से अपना एक लघु उद्योग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं और एक अच्छा अपनी वर्कशॉप डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत कारगर होगा कि आप बैम्बूज मंगाएं और 5-6 लोगों को उसमें इंगेज करें और उनसे काम करवाएं। और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं चूंकि बता रहा हूं, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि बैम्बूज में आपको पॉइंट्स कर लेने, इसमें देखिए सबसे पहली चीज है कि आपको 100 नंबर का ये सैंड पेपर लेना है। 100 नंबर का सैंड पेपर जो होता है इससे आपको इसको रफ करना है, मतलब जैसे बैम्बू जो आपकी होती है वो रफ होती है पहले, तो उसको एकदम प्लेन करने के लिए आपको 100 नंबर का सैंड पेपर लेके आपको इस टाइप से इसको रब करना है। इससे क्या होगा कि इसमें एक शाइनिंग आने लग जाएगी, मतलब इस टाइप से इस 100 नंबर के पेपर से करेंगे तो देखिए अभी इसका सरफेस जो है काफी स्मूथ हो गया है। तो इस टाइप से आपको बैम्बू रब करनी पड़ेगी 100 नंबर के सैंड पेपर से। एक चीज तो ये हो गया, और दूसरी चीज ये है कि आप इसके अंदर का जो इंटरनल पोर्शन होता है, बैम्बू के अंदर का जो इंटरनल पोर्शन है, इसको एक लंबी रॉड में कपड़ा लगा के उसमें मस्टर्ड ऑयल लगा के आप उसको अंदर से पूरा क्लीन कर सकते हैं। जो इसके अंदर जो वाइट टाइप के जो कच्चा बांस होता है वो सब पोर्शन आपके निकल जाएंगे और अंदर भी सरफेस इसका एकदम स्मूथ हो जाएगा। बस ध्यान आपको रखना है कि बैम्बूज एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। बैम्बूज जितनी स्ट्रेट होगी उतनी अच्छी आपकी बांसुरी बनेगी। और इसमें क्या है कि जैसे आपने 100 नंबर के पेपर ही यूज़ करना है, जिससे इसके जो रुखापन जो होता है बैम्बूज का ये एकदम साफ हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार से इसको जो है आपको रब करना है। इसमें रब करने से क्या होगा कि ये काफ़ी स्मूथ होने लग जाएगा, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया तरीका कि किस हिसाब से आपको इसको स्मूथ करना है, इसके अंदर से इसको जो है इसके अंदर को साफ करना है और इसको एक अपने इस प्रकार से रख के इसमें होल करने हैं। तो मैं आपको जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें होल्स के जो डिस्टेंस होते हैं, जैसे ये आपके डिस्टेंस हैं, ये किस प्रकार से बनाए जाएं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आप सी स्केल की बांसुरी बनाना चाहते हैं तो सी स्केल की बांसुरी जो होती है वो लगभग 17 इंचेस लंबी होती है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है 17 इंचेस या 42.5 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो डायमीटर होता है, मतलब ये इसकी जो गोलाई होती है डायमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का होगा तो इसमें सी स्केल की आप बांसुरी बना सकते हैं। आपकी जो भी स्केल की फ्लूट्स हैं वो डिपेंड करती है इसके डायमीटर और लेंथ पे। तो इसकी जितनी इसकी लेंथ बड़ी होगी उसका डायमीटर मोटा होगा। आपको मैं चीज बताता हूँ कि जो बांस के पेड़ होते हैं, बैम्बूज होती है, ये काफ़ी मतलब नीचे से ऊपर तक जाता है, तो जो सबसे नीचे की जो नॉट होती है वो काफ़ी दूरी पे होती है। अब जैसे ये आपके बैम्बू है, इसमें नॉट जो है थोड़ी दूरी पे है। अब देखिए यहाँ पर कोई नॉट नहीं है, इसकी नॉट यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये इस बैम्बू से हम जी बेस की फ्लूट बना सकते हैं। अब इससे अगर कोशिश करेंगे कि हम सी बेस मतलब सी स्केल मिडिल की हम फ्लूट बना लें तो इससे नहीं संभव है, क्योंकि अब इसकी जो डायमीटर है ये अधिक है।
तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा आगे के अपने पार्ट में भी कि आपको किस प्रकार के डायमीटर में, किस प्रकार की लेंथ से कौन सी स्केल की फ्लूट आप बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि सी स्केल की फ्लूट आप किस तरह बना सकते हैं। इसका मैं आपको मेजरमेंट दिखाता हूं। इसको आप ध्यान से देखें कि सी स्केल की फ्लूट अगर बनानी होगी तो हमें 17 इंचेस लंबा जो है इसका लेना पड़ेगा। और मैं आपको एक चेयर बताता हूँ, इसमें आपने देखा होगा कि होल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये सब होल्स के बीच में डिस्टेंस है, मैंने इसको लिख दिया है कि कितने कितने होना चाहिए, मतलब ब्लोइंग होल से लेके आपका जो फर्स्ट होल होगा वो 18 सेंटीमीटर पे होगा, और फर्स्ट होल और सेकंड होल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, थर्ड एंड फोर्थ होल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, एंड इसके बाद जो फिफ्थ होल है इसका जो डिस्टेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, और इसके बाद जो है फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो होल होगा उसका डिस्टेंस जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ये एक्चुअली एक एकदम सिमेट्रिक नहीं होता है, सुरों को एकदम सही पकड़ बनाने के लिए इस प्रकार का होल किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं अपना ये पार्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो एक प्रयास है बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको फिनिशिंग करना है, किस टाइप से इसकी पॉलिशिंग करनी है, किस टाइप से इसकी थ्रेडिंग करनी है करके, और आप एक अच्छा अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और सुरीली बांसुरी घर बैठे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।